H3N2 को लेके बहुत पेरेंट्स परेशान हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये एक इन्फ्लुएंजा वायरस का वेरिएंट है जो फिलहाल हर जगह चल रहा है। इसके सिम्टम्स क्या है? नंबर वन, फीवर हो रहा है, मॉडरेट टू हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, 103 के ऊपर जनरली आ रहा है, और फीवर थोड़ा रेजिस्टेंट है, मतलब दवाई देने पर भी फीवर जल्दी नहीं उतर रहा है। नंबर टू, बच्चों को सर्दी हो रही है, नाक से पानी बह रहा है। नंबर थ्री, खांसी तेज़ आ रही है, अक्सर बच्चों में खांसी रात को ज़्यादा दिख रही है, और खांस खांस के बच्चे उल्टी भी कर रहे हैं और बहुत बच्चे थक भी रहे हैं। नंबर फोर, कुछ बच्चों में रैशेस, रेडनेस यहाँ वहाँ बदन पे दिख रहा है। सिंपल पैरासिटामोल की दवाई खास फीवर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर खांसी ज़्यादा है तो खांसी के मेडिसिन और नेबुलाइजेशन आप ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके डॉक्टर जैसे प्रिस्क्राइब करेंगे। मेन चीज़ जो है, लिक्विड्स का खास इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन बच्चों में अक्सर हो रहा है। अगर बच्चा 1 साल से कम उम्र का है तो ब्रेस्ट फीडिंग और फार्मूला बार बार देते रहिए। बड़े बच्चों में पानी का, जूस का, जो भी लिक्विड पी सकता है पिलाते रहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, रेस्पिरेटरी हाइजीन सिखाइए। वो क्या होता है, जब खांसेंगे छींकेंगे, लेट देम कवर विद देयर एल्बो, ताकि ड्रॉपलेट्स हवा में ना फैले और दूसरों को ना हो। और बार बार हैंड वॉश करने की आदत हमें भी होनी चाहिए और बच्चों में भी होनी चाहिए। अदरवाइज घबराने की कोई बात नहीं है, विदिन 1 वीक to 10 days ये सिम्टम्स खुद ब खुद चले जा रहे हैं। बियॉन्ड एनीथिंग, कुछ भी सीरियस अगर लग रहा है तो डेफिनेटली आपके पीडियाट्रिशियन से एक ओपिनियन ज़रूर लीजिए। थैंक यू सो मच।